स्वागत है दोस्तों आपका फिर से टेक्स्ट मैच के एक नए एपिसोड में। मैं हूं वीएस राजपूत और आज मैं आपके लिए लेके ऐसे पांच बेस्ट मोबाइल फोन जो कि आप बाय कर सकते हैं अंडर 10,000 रुपीज इन 2021। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक क्राइटेरिया बता देता हूं। ये जो मैंने लिस्ट तैयार की इसमें मैंने परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा है। तो ये जो लिस्ट होने वाला है इसमें आपको इन सारे मोबाइल फोन्स में आपको मिनिमम 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज मिलेगा ही मिलेगा, और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगा वो रैंकिंग के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो जो लिस्ट मैंने टोटल तैयार की है वो 5 से लेके 1 तक जाने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा मिले कि जो सबसे नंबर 1 पे फ़ोन है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं जो कि बाकी किसी फ़ोन में नहीं मिलता है। उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो पांचवें नंबर पे जो मोबाइल फ़ोन आता है ये हमारे सैमसंग लवर्स के लिए है जो कि है सैमसंग का M02S। ये जो मोबाइल फ़ोन है ये आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी जो प्राइस है वो आपको 999 रुपीज़ है, मतलब आप 1 रुपये बचा के आप उसमें टॉफ़ी भी खरीद सकते हो। डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.5 इंच का एक IPS LCD पैनल मिल जाएगा। एक चीज़ बता दूँ आपको, ये सुपर एमोलेड या किसी भी तरीके का एमोलेड पैनल नहीं है, ये इसमें आपको एक नॉर्मल डिस्प्ले मिलने वाला है, IPS का पैनल है। बैटरी की बात करें तो आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है। अगर आप एक हैवी यूज़र नहीं है तो आपको आराम से 1.5 से 2 दिन तक का आपको बैकअप मिल जाएगा। कैमरा मॉड्यूल्स की बात करें तो आपको पीछे में 13 MP का एक कैमरा और 2-2 MP के दो छोटे छोटे कैमरा मिल जाते हैं। सेल्फी की बात करें तो आपको 5 MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाता है। इसकी वेट की बात करें तो ये जो मोबाइल फ़ोन है ये आपको 1.6 ग्राम का आता है, और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर है जो कि एक डिसेंट सा प्रोसेसर है, और आपको छोटे मोटे गेम्स वगैरह आप खेल सकते हो इस पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के चौथे नंबर के मोबाइल फ़ोन के बारे में जो कि आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, जिसका नाम है माइक्रोमैक्स 1B। इसकी जो प्राइसिंग है ये आपको पड़ेगा 799 रुपीज़ का, और इसमें आपको 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज मिलेगा। अगर प्रोसेसर की बात करें तो ये जो प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है इसमें आपको हीलियो का G35 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन के 450 से थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है। कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो आपको बैक में एक 13 और 2 MP के दो कैमरा मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 MP का कैमरा मिल जाएगा। कलर के बारे में बात करें तो ये आपको 3 कलर ऑप्शंस के साथ आता है, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन में। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आपको फिर से 1.5 से 2 दिन तक का आराम से बैकअप दे देगा अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो। इसका अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये आपको ये 188 ग्राम का मिलता है जो कि हमारे पिछले वाले कंटेंडर से जो कि हमारा सैमसंग का M02S था उससे ज़्यादा हल्का भी है, ज़्यादा सस्ता भी है, और जो परफॉर्मेंस है वो पिछले वाले से थोड़ा ज़्यादा अच्छा देता है, इसलिए ये हमारे है चौथे नंबर पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर के मोबाइल फ़ोन के बारे में जो कि आता है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स Hot 10। इसकी जो प्राइसिंग है ये आपको 9,500 रुपये का पड़ेगा। इसमें 5200 mAh की बैटरी मिलती है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि एक HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें आपको बैक में 3 कैमरा मॉड्यूल्स मिलते हैं, 16 MP का, 2-2 MP के दो कैमराज, और सेल्फी के बारे में अगर बात करें तो आपको 8 MP का कैमरा मिलेगा। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको हीलियो का G70 का प्रोसेसर मिलता है। इस मोबाइल फ़ोन पे आप PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम सेटिंग्स पे बड़े आराम से प्ले कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा इसमें। और ये इस लिस्ट का इकलौता ऐसा फ़ोन है जो कि सबसे बड़े बैटरी, सबसे बड़ा डिस्प्ले और सबसे बड़े कैमरा के सेंसर्स के साथ आता है। इसका जो टोटल वेट है ये आपको 208 ग्राम का पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर के बेस्ट मोबाइल फ़ोन के बारे में जो कि आता है रियलमी की तरफ से आने वाला Realme Narzo 20A। ये जो मोबाइल फोन है ये आपको 9,500 रुपए का पड़ेगा। इसका जो डिस्प्ले है ये आपको 6.5 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन के साथ आने वाला IPS पैनल है। इसकी अगर बैटरी के बारे में बात करें तो ये आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है इसमें आपको। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर मिलता है जो कि आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस दे देगा। स्टोरेज और रैम के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4GB का रैम और 64GB का आपको स्टोरेज मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, और अगर बैक के बारे में बात करें तो आपको 12 MP का और 2-2 MP के टोटल 3 कैमराज मिल जाते हैं बैक में। इसका जो वेट है ये आपको 195 ग्राम का पड़ेगा। इसमें आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक आता है आपको सिल्वर कलर के साथ और दूसरा है आपको ब्लू कलर में, तो आपको जो भी पसंद है आप वो बाय कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए जैसे ही हम एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। ओके गाइज, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस लिस्ट के पहले नंबर के मोबाइल फोन के बारे में जो कि आता है Xiaomi की तरफ से आने वाला Poco M2। आप चाहें तो इसको Realme 9 Prime भी बोल सकते हैं, दोनों सेम मोबाइल फोन है, कंपनी ने बस इसको रीब्रांड करके अलग अलग नामों पे बेच दिया है। तो इसका जो प्राइस है ये आपको
10,000 रुपये का पड़ेगा। इसमें आपको 6GB का रैम और 64GB का आपको स्टोरेज मिल जाता है। ये एक इकलौता फ़ोन है इस पूरे लिस्ट में जिसमें आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला IPS पैनल मिलता है। अगर बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो कि आपको आराम से फिर से 1.5 से 2 दिन तक आपको बैकअप दे देगा अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं। और अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो आपको डे टू डे लाइफ में बड़े आराम से आपको 7 से 8 घंटे तक का आपको बैकअप मिल जाएगा। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको हीलियो का G80 का प्रोसेसर मिलता है जो कि काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस देता है आपको। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन दे रखा है जो कि इस पूरे मोबाइल फोन के लिस्ट में किसी में भी गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन कंपनी क्लेम नहीं करती है। ये आपको 2 कलर वेरियंट्स के साथ आता है, ब्लैक एंड ब्लू में। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि ये जो लिस्ट थी बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज़ की, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तब तक के लिए बाय एंड पीस।